हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न मैथ्स। प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 34th ऑफ एक्सरसाइज 10A, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन नंबर 34th इज विनोद सोल्ड अ वॉच टू एलेक्स। विनोद ने एलेक्स को बेची वॉच एट अ गेन ऑफ 12%। गेन ऑफ 12% एंड एलेक्स सोल्ड इट टू श्वेता एट अ लॉस ऑफ 5%। इफ श्वेता ने इसको पे किया, दैट इज एस पी इज 1330 ऑफ इट। हाउ मच डिड इसकी CP क्या थी? ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमारा क्वेश्चन उल्टा चलेगा। जो इसकी SP, जो इसने परचेज की, जो इसकी CP थी श्वेता की, वो एलेक्स की क्या थी? SP थी। तो SP मान लिया लॉस परसेंटेज, तो इसकी हम CP निकालेंगे। CP क्या होता है? CP इज 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। दैट मीन्स 100 अपॉन 100 माइनस 5% इंटू 1330। तो ये कितना आ गया? 100 अपॉन 95 इंटू 1330। 5 1s are 5, 5 9s are 45, 5 2s are 10, 5 6s are 30, 5 6s are 30। 19 से डिवाइड करेंगे इसको, 266 को 19 से गया, 19 1s are 19, 20 20 and 6 is 76, 19 3s are 327, 57, 19 4s are 36, 19 4s are 76, right friends? तो 19 into 14, that means 1400 इसकी हमारी क्या आ गई? CP आ गई। अब जो एलेक्स की CP थी, वो विनोद की क्या थी? SP थी, right friends? For विनोद it is SP 1400 एंड दिस इज फॉर एलेक्स, राइट? और हमें गेन, उसको क्या मिला? गेन मिला है 12% का। गेन इक्वल्स टू 12%, तो हमें क्या निकालनी है? इसकी CP निकालनी है। CP का फॉर्मूला होता था 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP। दैट मीन्स 100 अपॉन 100 प्लस 12 इंटू 1400। ये कितना आया? 100 अपॉन 112 इंटू 1400। अब नाउ 2 5s are 10 एंड 2 6s are 12, 2 7s are 14 एंड 0, 7 1s are 7 एंड 0, 7 8s are 56, राइट फ्रेंड्स? अब 4 2s are 8, 4 2s are 8 एंड 4 5s are 20, 2 1s are 2, 2 5s are 10 एंड 0। दैट मीन्स 50 into 25 equals to 1250 is the CP of Vinod. Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on Maths and share it with your friends. Thank you.